हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्जाम टेजी सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो जे की तरफ से जो ऑफिशियल फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट आई है तो एमए पॉलिटिकल साइंस का कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ आई है उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कुछ मार्क्स के लिए जो है अगर मान लीजिए आपका सलेक्शन नहीं हुआ तो आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी रैंक तक जो है जो लिस्ट आई है उसमें एडमिशन मिला है उसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि मार्क्स का वेरिएशन कितना है और जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करें तो ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इससे आपको पता चल जाएगा कि सी के एग्ज़ाम में आपको अगर जे आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है तो आपको कितना मार्क्स जो है स्कोर करना पड़ेगा सो दैट जे में एडमिशन मिल पाए तो आइए अब इसी पर हम लोग देखते हैं जो सबसे पहले इसमें जो देखने वाली चीज़ है इसमें आपको दो चीज़ दी जाती है एक तो आपका कट ऑफ रैंक होता है और कट ऑफ मार्क्स होता है सो कट ऑफ रैंक होता है जो लास्ट कैंडिडेट जिनका एडमिशन हुआ है तो उनका रैंक क्या था और कट ऑफ मार्क्स जो यहाँ पे आप देख पाइएगा ये मार्क्स है जो उसी लास्ट कैंडिडेट का जो जिस मार्क्स पे एडमिशन मिला है अब यहाँ पे सारे जो मार्क्स होते हैं ये आपका इन परसेंटेज टर्म्स में होता है जो भी जितने भी आपने आउट ऑफ थ्री हंड्रेड जो सी यू टी का एग्जाम होता है वो फोर हंड्रेड का होता है फोर हंड्रेड का एग्जाम जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है ए और बी ए जनरल होता है हंड्रेड मार्क्स का जिसमें ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब बी होता है थ्री हंड्रेड मार्क्स का जिसमें सेवेंटी फाइव क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जे एन पार्ट बी के स्कोर को ही कंसिडर करता है फॉर द एडमिशन प्रोसेस सो so, आपने 300 में जो भी मार्क्स स्कोर किया है इसको आप परसेंटेज टर्म्स में कन्वर्ट कर लें फॉर एग्जांपल अगर आपने 180 किया है तो वन एट्टी डिवाइडेड थ्री हंड्रेड इंटू कीजिएगा तो यानी 60 परसेंट हो जाता है अब इस बार जो है एम ए पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ अगर आप पहले के टाइम में कम्पेरिजन करिएगा लास्ट ईयर से कंपेयर कीजिएगा तो काफी कम हुआ है जो जेन्यू का जो पोलिटिकल साइंस का जो कोड है वो है पी ओ आपका पॉलिटिकल साइंस का कोड है तो सबसे पहला जो है ये है आपका जनरल कैटेगरी का जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ आई है मार्क्स के बेसिस पे वो तो अगर मान लीजिए आपको कन्वर्ट करना है तो थ्री हंड्रेड में कितना होगा तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई बाय थ्री करना है तो आप मल्टीप्लाई बाय थ्री करते हैं तो uh, आपका जो है टू जीरो फोर प्लस पॉइंट थ्री थ्री यानी टू जीरो फाइव आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ चला गया अब यही अगर हम लोग कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर से तो लास्ट ईयर अराउंड टू फिफ्टी फाइव था तो मान के चलिए कि अराउंड मार्क्स है कट ऑफ इस बार घट गया है यानी सिक्सटी मार्क्स फिफ्टी मार्क्स का मतलब हो जाता है अराउंड आपका नेक्स्ट जो है ये है आपका शेड्यूल कास्ट का तो शेड्यूल कास्ट का जो लास्ट कैंडिडेट का जो एडमिशन हुआ उनका जो टोटल रैंक था अब ये जो रैंक यहाँ पे आप देख रहे हैं कट ऑफ रैंक ये उस कैटेगरी का रैंक है ये ओवरऑल रैंक नहीं है तो जब भी आप रिजल्ट को चेक कीजिएगा तो उसमें दो रैंक होते हैं एक ओपन रैंक होता है एक कैटेगरी रैंक होता है तो ओपन रैंक होता है कि इ ऑफ आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पॉलिटिकल साइंस में जितने बच्चे ने एग्जाम दिया था उसमें आपका क्या रैंक है सो कैटेगरी रैंक थर्टी वन तक एडमिशन हुआ है वहीं कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो फिफ्टी एट पॉइंट थ्री थ्री तो ये है आपका शेड्यूल कास्ट का वहीं शेड्यूल ट्राइब की हम लोग बात करते हैं तो ये थर्टीन तक एडमिशन हुआ है और जो कट ऑफ मार्क्स गई है वो है फिफ्टी फाइव पॉइंट सिक्स सिक्स तो इसको भी मान लीजिए फिफ्टी फाइव पॉइंट सिक्स सिक्स को अगर आप थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका हो जाता है वन सिक्सटी फाइव तो वन सिक्सटी सेवन सो आउट ऑफ थ्री हंड्रेड हम लोग बात करते हैं तो वन सिक्सटी सेवन तक जितने भी स्कोर किए हैं सेवन ने वो उनका एडमिशन मिला है ये जो कैटेगरी है ये जो कट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं नाइन्थ मेरिट लिस्ट तक और मार्क्स uh, है आपका फिफ्टी फोर तो ये है आपका पीडब्ल्यूडी डी कैंडिडेट का एडमिशन का फाइनल कट ऑफ मार्क्स अगर हम लोग बात करते हैं ओबीसी की तो ओबीसी का जो लास्ट कैंडिडेट का जो एडमिशन हुआ है वो है 82 टू और जो मार्क्स बेसिस पे एडमिशन हुआ है वो है सिक्सटी वन पॉइंट थ्री थ्री तो इन टर्म्स ऑफ ये परसेंटेज हो गया तो अगर हम लोग मार्क्स की बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है वन फोर मार्क्स पे और ये जो लास्ट कट ऑफ है ये है आपका ई डब्ल्यू एस कैटेगरी का ई एस ये हो जाता है आपका ओ बी सी तो ई डब्ल्यू एस का लास्ट कैंडिडेट जिनका एडमिशन हुआ था वो था 33 और मार्क्स के बेसिस पे अगर हम लोग करते हैं तो 170 सॉरी वन नाइन्टी सिक्सटी थ्री इंटू थ्री करते 190. तो वन नाइन्टी तो वन नाइन्टी जो मार्क्स है वो लास्ट कैंडिडेट के जो जिनको एडमिशन मिला है उनका ये मार्क्स है तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं अब देखिए यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि यहाँ पे आप देखिएगा जो जनरल कैटेगरी का 102 तो ये वो शो नहीं करता है कि 102 बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है अब देखिए क्या है कि जे का जो कट ऑफ निकलता है आप जानते हैं सी में आपका एक सिंगल एग्जाम होता है एच यू इसी से तीन एडमिशंस होते हैं POLM, एल एम पी आई एस एम आई आर ए एम तो तीनों का बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो तीनों सब्जेक्ट फिल करते हैं और ये डिपेंड करता है कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है अगर आप कट ऑफ तो क्लियर कर रहे हैं तो जो भी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है उसी में आपको एडमिशन मिल जाता है सो तो यहाँ पे जो देखने वाली बात है कि जब भी आप रैंक के साथ साथ कंपेयर करना चाहते हैं कि इतने तक एडमिशन हुआ तो ये जरूरी है कि आप सीट्स को कंपेयर कीजिए कि तीनों मिला के जनरल का टोटल कितना सीट था तो उस हिसाब से आप कंपेयर कीजिएगा तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी और ये चीज़ हम लोग सेपरेटली एक वीडियो में जे का जो सीट है तीनों कैटेगरी का उसके साथ साथ आपको कंपेयर करके दिखाएंगे तब शायद ये समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी और इसी तरीके से हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स के भी डिस्कस करेंगे तो जितनी भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो सीरियस uh, हैं किसी कारणवश आप लोगों ने इस वह एग्जाम नहीं दे पाया या कुछ कम मार्क्स आ गए और सोच रहे हैं अगले साल प्रिपरेशन करने की तो सी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आप जो है कितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए वो क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू ही होती है और एग्जाम टेजी की तरफ से जो कंप्लीट स्टडी मटेरियल क्लासेस क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज प्रीवियस पेपर्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है तो अगर आप सीरियस हैं आप सोच रहे हैं कि अगले साल आई ट्रेनिंग कॉस्ट मुझे जेन में एडमिशन लेना है तो ये राइट right टाइम है आप इन सारी चीज़ों को एनालाइज कीजिए और इसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन पेपर को भी एनालाइज करेंगे हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को सो so दैट आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अगर आपने इस साल एग्जाम दिया था तो कहाँ मिस्टेक हो गया बाकी आपको जो है एट फोर फोर एट एट सेवन एट एट फोर नाइन पे तो इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कीजिए एंड विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स कि आपका प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किया जाए किन सारे टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है सिलेबस क्या है कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कौन कौन से सोर्सेज को आपको रेफ़र करना चाहिए इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है वो सारा आपको मिलता रहे इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं या कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द next